सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्या आप भी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या सबसे आसान तरीका है जिसके थ्रू हम सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, हम और आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो देखो, हम सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जब भी हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बार यूपीएससी जरूर आता है, यानी कि हमारे दिमाग में जरूर आता है कि हम सिविल सर्वेंट बने। तो अब सिविल सर्वेंट बनने का जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, वो है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम। मैं आसान क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। तो वीडियो लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इतना आसान है। और बीपीएससी पीसीएस की जो 67th एडिशन का एग्जाम है, 67th एडिशन का जो प्री का डेट है वो निकाल दिया है बीपीएससी ने 12 दिसंबर 2021। 12 दिसंबर 2021 को प्री की एग्जाम डेट आ गई है, बीपीएससी के ऑफिशियल कैलेंडर में लॉन्च हो गया है। और इस बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये 12 दिसंबर को हो जाएगा, देखो बीपीएससी के बारे में कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि वो ढंग से उनका जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं होता, टाइमली प्रोसेस फॉलो नहीं करते। बट पिछला जो एक डेढ़ साल का दो साल का ट्रेंड है, मैं उसके हिसाब से अगर आपको बताऊं तो इन्होंने 64th का फाइनल रिजल्ट निकाल दिया है, 64th का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। 65th के इंटरव्यू चल रहे हैं और इनफैक्ट अब तो हो भी गए होंगे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और 66th का मेंस भी इन्होंने कंडक्ट करा लिया है, जिसका प्री इन्होंने दिसंबर पिछले साल लिया था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जो 66th का नोटिफिकेशन था अक्टूबर के अराउंड आया था और दिसंबर में उन्होंने प्री करा लिया था, और अब ये मेंस करा रहे हैं। और मेंस इससे पहले करा लेते अगर कोविड का सेकंड फेज ना होता तो, इनफैक्ट मेंस इन्होंने अब कंडक्ट करा लिया, 29 जुलाई से मेंस थे। तो अगर हम पिछले एक डेढ़ साल का दो साल का ट्रेंड देखें तो बीपीएससी काफी एफिशिएंटली काम कर रहा है, वहां की जो सरकार है बिहार की सरकार वो काफी अच्छे से काम कर रही है, बीपीएससी को काम करने के लिए बोला गया। तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपने भी सपना देखा है सिविल सर्वेंट बनने का तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास। 67th बीपीएससी का फॉर्म आने वाला है, मेरे हिसाब से सितंबर या अक्टूबर मैक्सिमम नोटिफिकेशन आ जाएगा, 12 दिसंबर को इसका प्री का एग्जाम है। नोटिफिकेशन का इंतजार हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि 12 दिसंबर को इसका प्री है, तो हमें प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को बीपीएससी की जानकारी नहीं होगी कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको ब्रीफ में जल्दी से इसके बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। वन सेकेंड, यस, ओके। तो सबसे पहले इसमें प्री होगा, ये जो एग्जाम है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री, मेंस एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू, ठीक है। और मैं आसान क्यों कह रहा हूं बार बार, इसका भी आपको पता चल जाएगा। प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री में क्या होता है, प्री में केवल एक पेपर होता है 150 नंबर का, केवल एक पेपर 150 नंबर का, और कोई पेपर नहीं होता, कोई सीसैट नहीं, कोई रीजनिंग नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई इंग्लिश एप्टीट्यूड नहीं, कुछ भी नहीं, केवल एक पेपर होता है जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है। और ये जो एक पेपर होता है प्री का, इसमें पिछले साल की अगर मैं बात करूं, पिछले साल की यानी 66th प्री की बात करूं, तो 30 क्वेश्चन तो आए थे साइंस से, 30 क्वेश्चन आ गए थे साइंस से, 35 क्वेश्चन आ गए थे हिस्ट्री से, 35 क्वेश्चन आ गए थे हिस्ट्री से, और 30 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के। 30 क्वेश्चन किसके थे, करंट अफेयर्स के थे। तो ये 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने हो गए, 95 हो गए, 30, 35 और 30, 95 क्वेश्चन हो गए। और कट ऑफ कितनी गई थी, 108, जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, केवल 108। तो अगर आप देखो, और ये भी जो लेवल होता है, ऑल दो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा थी, बट क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत आसान होता है। अगर आपने लूसेंट पढ़ी है, ऑफकोर्स अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपने लूसेंट तो ज़रूर पढ़ी होगी, लूसेंट के बिना तो आप रह नहीं सकते अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपने लूसेंट भी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपका प्री तो वहीं निकल गया, ठीक है। क्यों, और उसमें भी ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके बहुत अच्छे हैं, साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर, अगर ये 3 अच्छे हैं तो वहीं आपका एग्जाम निकल गया। इसके अलावा 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, 10 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, तो थोड़ा बहुत वहां से भी बटोर के आपका काम हो जाएगा, प्री निकल जाएगा, ठीक है। केवल 150 नंबर का एक एग्जाम होता है प्री, और इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स भी आता है ऑफकोर्स इसी के अंदर, लेकिन वो बहुत ही बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स होती है, जो कि कोई भी कर सकता है, आप में से कोई भी, आप में से कई होंगे जो जिन्होंने बैंक का पेपर दिया होगा, सीजीएल का दिया होगा, कुछ लोग ऑफकोर्स यूपीएससी के सीसैट के लिए भी पढ़ रहे होंगे, तो वो हो जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। अब आ जाओ मेंस पे, मेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेंस में होते हैं 4 पेपर, मेंस में होते हैं 4 पेपर। पहला पेपर होता है हिंदी का,
जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पहला पेपर होता है हिंदी का जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 नंबर का होता है। तो हिंदी बहुत बेसिक आती है, अब हिंदी देख के डर मत जाना। लूसेंट की एक हिंदी आती है, सामान्य हिंदी, उस बुक को पढ़ लो हिंदी क्लियर। और उस बुक को भी पूरा नहीं पढ़ना, वो मैं आपको बता दूंगा स्ट्रेटजी में कि उस बुक में से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना, ठीक है। दूसरा पेपर होता है इसमें जीएस पेपर वन, जीएस पेपर वन। और जीएस पेपर वन में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, एक तो है हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री है, इंडियन कल्चर है, इसके अलावा हमारा इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस है, इंटरनेशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और इसके अलावा बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स, और इसमें लिखना होता है ऑफ कोर्स, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो मैथमेटिक्स और ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑप्शनल में ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमें टाइम कम मिलता है, बट यहाँ पे तो लिखने का पूरा पूरा टाइम। तीसरा पेपर होता है जीएस पेपर टू, इसमें क्या क्या होता है, इंडियन पॉलिटी, इसमें क्या क्या होता है, इंडियन पॉलिटी है, इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी है, इसके अलावा इंडियन इको है, ठीक है, इंडियन इको। और इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक होता है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियाज डेवलपमेंट। तो ये सारे मिला के हो गए। और उसके बाद ऑफ कोर्स पेपर चार में एक ऑप्शनल होता है, एक ऑप्शनल आपको लेना होता है, ऑप्शनल की भी तैयारी हम लोग करवाएंगे, डोंट वरी। एक ऑप्शनल आपको लेना होता है कोई सा भी, तो जिसमें भी आप ग्रेजुएट हो वो ले लो। अगर साइंस ग्रेजुएट हो आप, तो इनमें से कोई सा भी एक ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है वो उठा के आप ऑप्शनल ले सकते हो, ऑप्शनल के लिए भी हम बात करेंगे। तो ये चार पेपर होते हैं, हिंदी का पेपर होता है 100 नंबर का, और ये तीनों पेपर होते हैं 300 के, टोटल हो गया 900, ठीक है। ऑफकोर्स ये वाला जो पेपर है हिंदी, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें 30 नंबर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो 30 ही नंबर लाने। तो हिंदी भी इज नॉट अ बिग डील, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो ऑफकोर्स आप सबकी बेसिक हिंदी तो क्लियर होगी। उसके बाद इंटरव्यू होता है 120 नंबर का, तो टोटल हो गए 900 प्लस 120 यानी 1020, जिसमें से फाइनल कट ऑफ हमारी फाइनल मेरिट बनती है 300 प्लस 300 प्लस 300 900 प्लस 120 1020 टोटल हो गया, और उसमें से हमारी फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो ये पूरा एग्जाम का पैटर्न है। अब इस पूरे के पूरे एग्जाम के पैटर्न में अगर मैं प्री से बात करूँ, प्री से अगर मैं आपको लेके चलूँ, तो मैंने आपको जैसा बताया था तीन सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो प्री निकल गया आपका, और इन तीन सब्जेक्ट में गारंटी मेरी है साइंस की, साइंस की गारंटी मेरी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हिस्ट्री के लिए हमारे साहिल सर हैं, साहिल सर बहुत ही उम्दा टीचर हैं हिस्ट्री के, वो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है यूपीएससी में, तो हिस्ट्री से रिलेटेड वो हो गए। करंट अफेयर्स के लिए देखिए गाइस, हमारे पास एक स्पॉटलाइट करके एक मैगजीन होती है, अगर आप आरबीआई के हमारे फॉलोअर्स हैं तो आपको पता होगा, स्पॉटलाइट मैगजीन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, कन्फर्म है। तो ये तो आपका प्रिपेयर बहुत प्यार से करा देंगे। इसके अलावा बचेगा इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी भी मेरी जिम्मेदारी है, ज्योग्राफी भी हमारी जिम्मेदारी है, तो एक एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि ये तीन ही सब्जेक्ट पढ़ के जाने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये निकालना कितना आसान है, प्री निकालना। मेंस भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है इसका, मेंस में बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, लाइक गांधी जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हो? या इसके अलावा इंडियन पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सीएजी, तो क्या आप ये नहीं लिख सकते हो? व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या ये नहीं लिख सकते? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजोन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशंस इन द पार्लियामेंट, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो ये टैकल आराम से किए जा सकते हैं अगर आपने बेसिक पढ़ाई भी करी है तो। और अभी है आपके पास 3-3.5 महीने, इन 3-3.5 महीने में प्री मेंस दोनों की इकट्ठे तैयारी बहुत प्यार से की जा सकती है। प्री होगा 12 दिसंबर को, मार्च अप्रैल के आसपास होगा मेंस, अगर सब कुछ ठीक रहा, कोविड ने फिर दोबारा से कुछ बाधाएं ना डाली, तो मार्च अप्रैल के आसपास मेंस करा लेंगे लोग। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा चांस है सिविल सर्वेंट बनने का, ठीक है, इससे अच्छा चांस, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। किसी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम देने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल यूपी का देने जाओगे, तो उसका पैटर्न बिल्कुल यूपीएससी वाला है। फिर किसी और झारखंड का देने जाओगे तो वो सारे क्वेश्चन झारखंड से मोस्टली पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार वाले में अच्छी बात ये है कि ये लोग बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। अगर मैं प्री की बात करूँ तो बिहार स्पेसिफिक समझ लो 10-15 क्वेश्चन होंगे, और उसमें भी उसके भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि हाल में बिहार में हुआ होगा। तो वो तो वैसे भी आपको टिप्स पे रहना चाहिए, मान लो कि जैसे अभी जो 66 प्री था उसमें बिहार इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो वो तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, दैट इज नॉट बिहार स्पेसिफिक। अगर किसी स्टेट में इलेक्शन हुआ है तो
तो उसके बारे में तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आप महाराष्ट्र के हो, मध्य प्रदेश के हो, या केरला के हो, या जम्मू कश्मीर के हो, या नॉर्थ ईस्ट के हो, या राजस्थान के हो, तो आपको बिहार के रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा भी कुछ नहीं। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स के मन में हमेशा ये रहता है कि मैं बिहार नहीं जाऊँगा, बिहार जाके नहीं रहूँगा। तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि अगर UPSC में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो, या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, RBI की कर रहे हो, NABARD की कर रहे हो, LIC AA की कर रहे हो, किसी बैंक की कर रहे हो, SSC की कर रहे हो, तो अगर बिहार में पोस्टिंग होगी तो क्या कर लोगे, या UPSC में बिहार का कैडर मिल गया तो क्या कर लोगे। तो अपने दिमाग से ही बात निकाल दो कि मुझे बिहार नहीं जाना। भाई आपको सिविल सर्वेंट बनना है, ये आपका पहला फोकस होना चाहिए। ये फोकस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मुझे बिहार नहीं जाना, या मुझे UP नहीं जाना, या मुझे केरला नहीं देना, या मुझे उड़ीसा नहीं देना। और बेस्ट बात इस पेपर में ये भी है कि कोई भी रीजनल लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं है, हिंदी, बेसिक हिंदी का पेपर है, बेसिक हिंदी सबको आती है। गुजरात PSC का पेपर दे लो, उसमें गुजराती पूछते हैं, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक, तो समझ रहे हो, तो आउट ऑफ जो गुजरात के बाहर के लोग हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक हिंदी पूछ रखी है, क्या बेसिक हिंदी नहीं आती आप लोगों, ठीक है। तो ये पूरा पेपर का पैटर्न है। 12 दिसंबर को इसका प्री है, 12 दिसंबर से पहले पहले अभी हाल कुछ टाइम बाद हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करेंगे सब्जेक्ट्स की, लाइक जनरल साइंस की मैं शुरू करूंगा, हिस्ट्री की साहिल सर शुरू करेंगे, पॉलिटी की मैं शुरू करूंगा, इंडियन इकोनॉमी की हिमसेल्फ अनुज सर शुरू करेंगे। तो लाइव क्लासेस के थ्रू भी आपको फायदा मिलेगा। एंड उसके अलावा अगर आप लाइव क्लासेस के अलावा बेनिफिट लेना चाहते हैं गाइस, तो हमारा एक कोर्स भी है जो कि लॉन्च हुआ है, जिसमें सारा डिटेल में है। तो 67 BPSC का हमने 4 कोर्सेज अलग अलग लॉन्च किए हैं। पहला है जिसमें प्री और मेंस आपको दोनों मिलेगा, प्री और मेंस दोनों है, ठीक है, प्री और मेंस दोनों है। दूसरा है जिसमें केवल मेंस है। तीसरे में आपको BPSC कॉमर्स ऑप्शनल मिलेगा, कॉमर्स ऑप्शनल और मैनेजमेंट ऑप्शनल, 2 ऑप्शनल हैं जिसके हम प्रिपरेशन आपको कराएंगे, कॉमर्स ऑप्शनल और मैनेजमेंट ऑप्शनल। इसके अलावा किसी और ऑप्शनल में अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, बट जो हमारा कोर्स है वो कॉमर्स ऑप्शनल और मैनेजमेंट ऑप्शनल का है। तो ये 4 कोर्सेज है हमारे पास अभी, BPSC प्री और मेंस कंबाइंड, BPSC PCS मेंस, BPSC PCS कॉमर्स, और चौथा कोर्स है हमारा BPSC PCS मैनेजमेंट, ये रहा मैनेजमेंट का। तो ये 4 कोर्सेज हैं अभी आपके पास, तो आपको विजिट करना है courses.anujindal.in पे। और अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है, लॉन्च डिस्काउंट है ये 40%, और आपको कोड यूज करना है BPSC40 एंड यू विल हैव द डिस्काउंट, ओके, BPSC40 नाम का कोड यूज कर लो, 40% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो प्राइसेस आपको दिख रहे हैं ये बिफोर डिस्काउंट है, 40% का डिस्काउंट है इस पर अभी, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पर आपके सामने कोर्स है। और लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, सब कुछ इसमें कवर्ड है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि देखो, हम क्योंकि एक मार्केट में है हम, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि BPSC का कोर्स बेच रहे हैं। बट अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा BPSC का कोर्स सबसे अच्छा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो आपके ऊपर है कि आपको किसका सबसे अच्छा लगता है। बट मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे किसी का भी कोर्स ले लो, हमारा ले लो, किसी और प्लेटफॉर्म का ले लो, एक बात याद रखना, BPSC की तैयारी UPSC की तरह नहीं होती, BPSC की तैयारी UPSC की तरह नहीं होती। सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, UPSC का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, BPSC का सिलेबस उतना वास्ट नहीं है। तो अगर आपको कोई अब देखो, जनरली लोग क्या करते हैं, UPSC का उन्होंने कोर्स बनाया, वही डाल दिया BPSC में, वही डाल दिया UPSC में, वही डाल दिया मध्य प्रदेश में, तो ये तरीका थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे जो कोर्स है उसको पूरा डिज़ाइन किया गया है दिमाग में रख के कि BPSC का डिफिकल्टी लेवल क्या है, BPSC में लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, BPSC की कट ऑफ क्या जाती है, BPSC में किस तरीके से हमें जो मेंस के आंसर हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपको कोर्स की डिटेल्स बता देता हूँ थोड़ी सी, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे प्री और मेंस की मैं बात करूँ तो कंप्लीट हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल साइंस मिलेगा आपको, BPSC लेवल की मैथमेटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, एनुअल सर्विस एंड रिपोर्ट्स, ऑल दी गवर्नमेंट स्कीम जो कि मैं खुद कवर करूंगा। अगर आप anujindal.in फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कीम कितना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाता है। इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन कल्चर, सोशियोलॉजी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट इन इंडिया। सिमिलरली मेंस में ये सारी चीज़ें होंगी, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ये पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम, जो GS पेपर 1 है। इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, BPSC लेवल मैथमेटिक्स होती है उसमें, और सोशियोलॉजी होता है। पेपर 3 में अब देखो लो, मैंने सब कुछ नहीं भर दिया कि सब कुछ डाल दो, इन्वायरमेंट डाल दो, ये सब कुछ डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर पेपर 3 में ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है,
इंडियन इकोनॉमी, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इसके अलावा यू विल गेट 10 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स फॉर प्रीलिम्स एंड एज वेल एज फॉर मेंस। एंड सबसे अच्छी बात यह है इस कोर्स की कि इसमें जो आपके मॉक पेपर होंगे मेंस के, उनके आंसर्स आपको चेक करके दिए जाएंगे। आप हमें लिख के भेजोगे, आपको उनके आंसर, उनकी इवैल्यूएशन, उनका फीडबैक भी आपको मिलेगा। हर प्रीलिम्स के लिए आपके पास 10 टेस्ट होंगे, इसके अलावा मेंस के लिए भी आपके पास दोनों पेपर के लिए, पेपर वन, जीएस पेपर वन, जीएस पेपर टू, दोनों के लिए मॉक्स होंगे, और ऑप्शनल के लिए भी, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए 10-10 मॉक्स। और ये सारे के सारे पेपर्स आपको चेक होके मिलेंगे, इवैल्यूएट होके मिलेंगे, फीडबैक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेंस वाले कोर्स में भी, ऑफ कोर्स आपको जो मेंस वाला पार्ट है उसमें वो मिल जाएगा। कॉमर्स वाले कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यू विल गेट इन द सेक्शन वन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, एंड यू नो हाउ गुड अनुज सर इज इन दी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। सेक्शन टू में वी हैव ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, और अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देख सकते हो आप, वही है मैनेजमेंट में तो बिल्कुल ही सेम है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इंडस्ट्रियल रिलेशन और 10 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स अगेन। अब मैनेजमेंट का कोर्स की डिटेल देख लो जल्दी से, अब आप इसको रिलेट कर सकते हो आरबीआई के साथ, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड मैनेजमेंट, डिजाइन, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, स्टैटिस्टिकल मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड्स। सेक्शन टू में सिमिलरली वी हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिसीजंस, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो कोर्स है आपका बीपीएससी में जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोर्स ले लो, कोर्स में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं है, तैयारी करो, बस बीपीएससी की तैयारी करो, सिविल सर्वेंट बनो और फिर जल्दी से जाओ और देश की सेवा करो, ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो था, ये उसका एजेंडा था कि बीपीएससी का प्री का डेट आ चुका है और दूसरा हमने कोर्स लॉन्च किया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि ये पेपर क्रैक करना कितना आसान है। अगर आपने दिन के 4-5 घंटे भी प्रिपरेशन को दे दिए तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। अभी भी प्री में 3-3.5 महीने हैं, उसके 3 महीने के बाद मेंस होगा, तो अगर मैं मोटा मोटी पकड़ूँ तो 6 महीने अभी बचे हैं मेंस में, और 6 महीना मोर देन इनफ है मेंस निकालने के लिए बीपीएससी का, और उसके बाद 120 नंबर का इंटरव्यू एंड यू आर अ सिविल सर्वेंट देन। तो अगला जो मैं एक वीडियो है एक और लेके आऊँगा डिटेल स्ट्रैटेजी का, जिसमें मैं आपको बताऊँगा 3 महीने की स्ट्रैटेजी में हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, पूरी 3 महीने की स्ट्रैटेजी जो कि कवर करेगी प्री को। और इसके अलावा लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, और जनरल साइंस की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इंडियन इको की, और हम कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस आपके साथ लेके आएँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को बताओ कि बीपीएससी का कोर्स लॉन्च हो गया है, उसकी एग्जाम डेट आ चुका है प्री का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।